जो हमने सीक्वल चलाया है रिलेशनशिप को लेके। अभी तक आप हमारे पुराने वीडियो देख चुके होंगे जो रिलेशनशिप में मेंटल डिटैचमेंट कैसे होता है, डिप्रेशन में कैसे जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं अब वो सेपरेट कैसे हो जाता है। उसके सेपरेशन के भी 5 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो 5 पॉइंट में भी कहीं आप चाहें तो रोक सकते हैं रिलेशनशिप को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जेडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ को। आप बात करने जा रहे हैं हम जो हमने सीक्वल चलाया है रिलेशनशिप को लेके। अभी तक आप हमारे पुराने वीडियो देख चुके होंगे जो रिलेशनशिप में मेंटल डिटैचमेंट कैसे होता है, डिप्रेशन में कैसे जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं अब वो सेपरेट कैसे हो जाता है। उसके सेपरेशन के भी 5 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो 5 पॉइंट में भी कहीं आप चाहें तो रोक सकते हैं रिलेशनशिप को, नहीं तो वो सेपरेट हो जाएगा। वो फिर हमारे जो वकील मित्र हैं वही आपकी हेल्प करेंगे। तो रिलेशनशिप के अंदर जब हमारे नेगेटिव थॉट को हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगते हैं, नेगेटिव थॉट को जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम रिजल्ट होकर जाते हैं, और फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके नेट रिजल्ट में सेपरेशन के अलावा कोई चांस ही नहीं। डिवोर्स ही है, यही चांस है। तो हम चलते हैं इस जर्नी पे। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जुड़े रहें। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, आप जब रिलेशनशिप को सेपरेट करने के मोड में होते हो तो आपको एज ए प्रिजनर समझने लगते हो, प्रिजनर रिलेशनशिप हो जाता है। जैसे कैदी होता है ना, उसको सब कुछ मिलता है, खाना, पानी, दाना, घूमना, अंदर वो काम भी करवाते हैं कैदी से उसकी काबिलियत के मुताबिक, पर वो खुश नहीं रहता। तो आपको भी सब मिलता है उस घर में, खाना पीना, एंजॉयमेंट, पैसा, घूमना फिरना, फौरन भी घूम के आते हो आप, हर 6 महीने में टूर भी लग रहा है, बट फिर भी आप अंदर से अनहैप्पी हो जाते हो। तो समझ लो वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि मेंटली आप पहले अलग हो चुके हो, डिप्रेसिव आप हो चुके हो, अब आप बस फाइनल स्टेज पे हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको अगर मिल गई तो आप शिफ्ट हो जाओगे। तो वो अपॉर्चुनिटीज के अंदर ही हम सिम्टम ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से सिम्टम ऐसे होंगे जब आप शिफ्ट हो जाओगे। तो ये जो रिलेशनशिप की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इसके लिए मैं छोटी सी एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक कपल था, उनके एक बच्चा था, वो फॉरेन में था, बहुत ही अच्छी जॉब में था। अब उस कपल को वरदान मिल गया। हमारे देवता लोग कहते थे ना, भाई 3 वरदान मांग लो, तो उनको वरदान मिला, 3 वरदान वो मांग सकते थे। तो उन्होंने कहा, भाई खूब सारा पैसा मांग लो। उन्होंने कहा, भाई हमें ना 1 करोड़ रुपए आ जाए। तो अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, दे नेवर थॉट कि वो 1 करोड़ रुपया कैसे आ जाए। उसके साथ हैप्पीनेस आनी चाहिए, उसके साथ हमें संतोष आना चाहिए, उसके साथ हमें एंजॉयमेंट आना चाहिए, उसके साथ हमारे वो एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे है, एक ही पॉइंट पे, हमारे को पैसा आना चाहिए। तो उन्होंने मांग लिया वो वरदान। ये मैं उसकी डिटैचमेंट की बात बता रहा हूं। आपका मेंटल स्टेटस ऐसा होता है, आप सिंगल चीज पे फोकस्ड हो जाते हो। तो उन्होंने वो वरदान मांग लिया। वरदान मांगने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 20 मिनट के बाद उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए। और उनका, अरे यार ये कैसे आ गया, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। पर सडनली थोड़ी देर बाद एक लेटर भी आ गया कि आपका लड़का जो फॉर्म में था, जॉब में था, ऑन जॉब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। तो ये पैसा उसके इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम का है। नाउ दे आर शॉक्ड। अब उनके आपस में लड़ाई हो गई, तुम्हें किसने कहा था मांगने के लिए, पहले तो दोनों मांग रहे थे। तो ऐसे ही हम सेपरेशन दोनों लोग मांगते हैं, बट जब हम सेपरेट हो जाते हैं तो हमें अफसोस होता है। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा अभी दूसरा वरदान है, चिंता मत करो, हम उस लड़के को बुला लेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा लड़का वापस आ जाए। अगेन बिना सोचे डिसीजन कि ये कब का डेथ हो गया होगा, तभी तो आज आपको पैसे मिले हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये रिलेशनशिप कितना पुराना नेगेटिव थॉट्स में जा चुका होगा, तभी तो आप अलग हुए हो आज। हमें लगता है हम आज ही अलग हो गए हैं, सडनली अलग हो गए हम। तो अगेन जो मैंने इस वीडियो की सीरीज जब शुरू की थी तब ये बोला था कि हमें लगता है हम सडनली अलग हो जाते हैं, होते नहीं सडनली, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे हम रिलेशनशिप में भी कैसे जाते हैं, पहले बात होती है, कॉफी होती है, बहुत सारे पार्क में मीटिंग होती है, मूवी देखी जाती है, तब कहीं जाके एक रिलेशनशिप में जाते हैं।
और अगर मैरिज है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो एंगेजमेंट होती है, फिर कहीं जाके मैरिज होती है, पहले देखा दिखाई की रस्म होती है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं दोनों ही केसेस में। तो हम इसी स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने बुला लिया उसने दूसरे ने, अब वो आ गया। अब आप समझिए कि वो आ गया बिना बॉडी के, क्योंकि बॉडी तो उसके वहां जल गई फौरन में। अब क्या हो गया, नया लफड़ा, घर में एक आदमी घूम रहा है जिसको आप देख नहीं सकते। मुझे नहीं मिला आज तक ऐसा आदमी जो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहता है जिसको वो देख नहीं सकता। अब दोनों को चिंता होगी, भाई ये हमने क्या कर दिया। वो माँ बाप से बात कर रहा है, वो बोल रहा है, वो दोनों डर के कोने में बैठे। दोनों का नहीं, चिंता मत करो, थर्ड हमारा वरदान है। तीसरे में उन्होंने मांगा, भाई ये सारी चीजें बस जैसी थी वैसी हो जाए, हमें नहीं चाहिए कुछ, ये वापस भेज दो इसको जहां से आया है। वापस चला गया। अगेन जहां से आया है वापस भेज दो, मतलब वो वापस, अगर हम ये मान लें कि वो भूत योनी से आया था तो वह भूत योनी में चला गया। तो बेसिकली क्या है, आप पूरा एंजॉय कर रहे हो, आप सब जगह जाके आ रहे हो, बट जैसे ही घर आ रहे हो आपको फिर वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। और जैसे ही वो याद आ जाती हैं आप उस लूप में हो। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था वो लूप कैसे होते हैं, उन लूप के अंदर आने के बाद फंस गए तो फिर सिवाय सेपरेशन के कुछ नहीं रह जाता, आपको इमीडिएटली एक्शन लेके करेक्शन करने की जरूरत है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस क्या है, तीन चीजें हमारी लाइफ में बार बार चेंज होती है, नीड, प्रायोरिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस। और ये तीनों चीजें हम ढूंढते हैं, जिसको जितनी जल्दी मिल जाती है उतनी जल्दी उसका सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, उसको सिर्फ और सिर्फ फोकस है। पहले वाले पॉइंट में हमने बता दिया कैसे फोकस है, नीड, एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज। जैसे एक 18 साल के टीनेज है, उसकी क्या प्रायोरिटीज है, देखने में सुंदर होना चाहिए मेरा काउंटर पार्ट, गिटार विटार बजाता हो, गाने वाने गाता हो, आह क्या मजा है, उसको कुछ नहीं पता। हो सकता है वो पढ़ने में डफर हो सकता है वो जिंदगी में कुछ कर ही ना पाए, बट वो कोई एनालिसिस नहीं करेगा। हर एक आदमी सिर्फ उसी पे अट्रैक्शन पे लेगा, चाहे वो टीनेज बॉय हो या टीनेज गर्ल हो। तो 18 साल का बच्चा ऐसा ही बिहेव करता है, लेकिन 30-32 साल की जब लेडीज हो जाती हैं या जेंट्स भी हो जाते हैं तब तो उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। वो देखने लगते हैं जॉब करती है मेरी काउंटर पार्ट नहीं करती, घर का खर्चा कैसे चलेगा, आजकल तो बहुत महंगाई है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। और सोशली कैसा बिहेव करती है, अपार्ट फ्रॉम कि वो सुंदर है, सुंदरता पीछे चली जाती है, ये चीजें आगे जाती है। और अगर इसको फिर आगे ले जाए 40 साल के आसपास अगर आप पहुंच गए तो आप अपने बुढ़ापे की चिंता करने लगते हो, भाई इस पे कुछ है भी पैसे वैसे जो मेरे को बुढ़ापे में बिठा के खिला देगा, क्योंकि इंडिया में तो कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं, हमें खुद कमाना है और खुद ही खाना है। तो हमारी नीड, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। और नीड, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटी में अगर हमें कोई भी चीज, छोटी सी लाइट भी कहीं दूसरी जगह दिख गई तो हम क्या करेंगे, भाग जाएंगे तुरंत। जो हमारे को सेपरेशन की चीजें हैं वो स्पैन कम ज्यादा इसीलिए होता है, क्योंकि लोग सेपरेट नहीं होते, लाइफ निकाल देते हैं, शायद उनको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं या उनको बहुत लेट मिलती हैं, कई लोगों को जल्दी मिल जाती हैं, जिसको जितनी जल्दी मिल गई तो उतनी जल्दी सेपरेट हो जाता है। तो ये वो वाली स्टेजेस हैं। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, अब्यूसिव रिलेशनशिप। जब हम सेपरेशन मोड में जाते हैं तो दो तरह का अब्यूज करते हैं हम, साइकोलॉजिकली और फिजिकली। साइकोलॉजिकली हम मेंटली किसी बंदे को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप ने खाना किसी को दिया, ये खाना गर्म है, ये खाना ठंडा है, साइकोलॉजिकली तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मेरे से बात नहीं करते, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे वो बात करेगा, वो क्या बात करेगा सारा दिन, या वो क्या बात करेगी सारा दिन, काम भी करना उसे नहीं, अजीब से क्वेश्चंस, अभी से प्रेशर, तुम्हारे माँ बाप ऐसा करते हैं, तुम्हारा भाई ऐसा करता है, ये सारे साइकोलॉजिकल है, तुम्हारा बॉस ऐसा है, तुम लेट क्यों आती हो, ये सब साइकोलॉजिकल है। और जो मेरा पहला वीडियो था उसमें आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको क्लोदिंग के ऊपर भी बताया था, वो आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल पैरामीटर। दूसरे फिजिकल अब्यूज करने लगते हैं, कई बार हम हाथापाई करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं,
और जब हम एक दूसरे को मारने लगते हैं, आजकल ऐसा नहीं है कि वो जमाना चला गया सिर्फ कि मेल ही फीमेल को मारते थे, फीमेल भी मेल को मारती है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जमाना चेंज है, कोई भी किसी को मार सकता है, बट जो जितना ज्यादा डिप्रेशन में है वो उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा वायलेंट होगा, और कभी कभी वो सेल्फ हार्म भी करेगा, अपने आप को थप्पड़ मारेगा, दीवार में सर मारेगा, ये सारी चीजें करेगा अपार्ट फ्रॉम के दूसरे को मारना। तो ये सेपरेशन की स्टेज है, बहुत जल्दी आप लोग सेपरेट हो जाओगे। जो मेरा दूसरा पॉइंट था उसको याद रखिए, आपकी नीड जैसे ही पूरी होगी। चलते हैं अगले पॉइंट पे, डिप्रेशन स्प्रेड। अब ये डिप्रेशन जो आप लेके जा रहे हो, क्योंकि आपने तो इग्नोरेंस मोड में हो, आप तो इस दुनिया में ये समझते हो कि मेरे को क्योर होना ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, करेक्ट। तो हम तो नहीं जाएंगे अब कहीं, तो आप डिप्रेशन का बॉक्स कैरी करोगे। अगर आप कहीं और भी चले गए किसी और आदमी के साथ भी, तो वो वहां जाके भी डिप्रेशन जैसे ही खोलोगे ना अपना बॉक्स, वो डिप्रेशन दौड़ के आएगा। और कभी कभी क्या होता है, जिस रिलेशनशिप में आप रह रहे हो अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो थोड़े टाइम के बाद दूसरा भी डिप्रेशन में चला जाएगा, बिल्कुल ऑटोमेटिकली थोड़े स्पैन के बाद, अगर वो रिलेशनशिप लंबा जाता है। और अगर वो लंबा नहीं जाता, ब्रेकअप हो गया, तो जैसे ही आप अलग हुए, तो आपने दूसरे के जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में शिफ्ट हुए हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो अगेन मैरिज हुई हो, उस रिलेशनशिप में उस डिप्रेशन को लेके जाओगे, उस थॉट्स को लेके जाओगे, और उस इन्वायरमेंट में आप पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना, साल्ट अगर पानी में डाल दो थोड़ा सा ही, तो पूरा पानी साल्टी हो जाता है, बस आप पूरा पानी साल्टी कर दोगे और उस रिलेशनशिप के अंदर आप डिप्रेशन को लेके जाओगे। और गलती से अगर आप इसी रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली आप बच्चों में तो कन्वर्ट कर ही दोगे। मान लो आपने सेपरेशन नहीं किया, किसी वजह से नीड आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप क्या बच्चों में डिप्रेशन कर दोगे, और बच्चे भी आपके वैसा ही बिहेव करेंगे थोड़े टाइम के बाद जैसा आपने किया है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, सोशल इंसल्ट। ये वो स्टेज है जब आप सेपरेशन मोड में बिल्कुल आ चुके होते हो। तो अभी तक तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, घर की चार दीवारी में हो रही होती है, किसी को नहीं मालूम होती। फिर बहुत सारे लोगों को आप इन्वॉल्व कर लेते हो, कोर्ट कचहरी तो अलग है, वो तो अगेन बहुत सारे लोगों को बुलाएगा, आप रिलेशनशिप के बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हो। अब उनमें से कुछ लोग आपके फेवर के होते हैं, कुछ फेवर के नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाली मजे लेने आते हैं, वो होता ना कि चाय पीने जा रहे हैं खाली, अरे पता नहीं क्या होगा, दोनों की प्रॉब्लम है, फिर हम चलते हैं बुलाया तो। अब वो सारे अपने अपनी बातें आपके कंधे पे रख के फायर करने लगते हैं उस टाइम। हो सकता है एक बंदा दूसरे का बायस हो, वो आपको ब्लेम करने लगे, जो आपका बायस होगा वो दूसरे को ब्लेम करने लगेगा, और उस स्टेज पे इतनी सारी इंसल्टिंग एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि गलती से वो रिलेशनशिप बच सकता है, वो कोई 1% चांस बचा हो उसमें, वो भी खत्म, नहीं छोड़ेंगे हम उसको, क्योंकि वो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनकी भी ईगो आ जाती है ना बीच में, जो आप चाहता है वो रिलेशनशिप टूट जाए वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, जो उसकी तरफ से चाहता है रिलेशनशिप टूट जाए वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर वो दोनों जुड़ेंगे तो उन्हें लगा हमारी इज्जत खराब हो रही है, तो सोशल इन्वायरमेंटल इंसल्ट शुरू हो जाती है, और वो इंसल्ट के बाद तो सेपरेशन रुकने का सवाल ही नहीं उठता, आपको सेपरेट होना ही पड़ता है, कोई चांस ही नहीं है कि रुक जाए। तो होपफुली ये पूरी जो सीरीज है आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो आप प्लीज हमसे शेयर करिए, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो हमसे शेयर करिए, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप में उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो अपने अंदर करेक्शन कर सकें या वो हेल्प ले सकें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को अगर आपने पसंद किया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।